Sundridge Foods, bake me happy. Carrot cake. Yes. Sundridge Foods, bake me happy. Hello, hello. Assalamu alaikum everyone. Main hu Aisha Umar and welcome to my happiest show, Bake Me Happy. रोज़ ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कभी काम का, कभी घर का, कभी जस्ट जनरली योर फीलिंग इमोशनल. एंड इसीलिए मैंने और सनरिज फूड्स ने ये शो मिलकर प्लान किया, जिसमें हम हर एपिसोड में कुछ ऐसा बेक करना आप लोगों को दिखाते हैं, विच विल गिव यू इमेंस हैप्पीनेस एंड जॉय. लेट्स चेक इन द फ्रिज कि क्या मुझे आज मिलेगा. Carrots. Ah, what can I make? Carrot cake. Yes. Let's make carrot cake today. Okay. Now I'm going to tell you the rest of the ingredients for this delicious recipe. I love carrot cakes. मेरी जो recipe है, उसमें जो सबसे खास ingredient use हो रहा है, वो है Sunridge Foods का आटा. We'll get to that later. Why I'm using it and why this gives the best result. Before I begin, you know the four steps that I do, and if you don't, now is the time to learn. Apron pehne, haath dhoye, oven on kare preheat karne ke liye, extremely important, because agar hot oven hoga to aapki jo dish hai ya aapka cake hai, it's going to come out exactly the way you want it to. And the last step is to tie your hair bahu agar. So let's go to the oven. Bake my cake at 180 degrees Celsius, 350 degrees Fahrenheit. ठीक है जी, this is on and let's put on an apron. एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, which is the best part of the carrot cake, the icing on top. Icing के ingredients हैं about half cup of cream cheese, unsalted butter, icing sugar. Extremely important. Teen set of steps hai hamare paas. So first I'm going to mix the sugar, oil and the eggs. To wo hamara wet batter banega. Aur uske baad sare dry ingredients mix karungi. And then carrots ko grate karenge. So these are three simple steps. And when all these are done, then we're going to mix everything together. Right? Let's measure everything accurately. Sugar, 1 cup. ये 1/4 है, सो 4 ऑफ दीज आर गोना गो इन, 4 ऑफ दीज, देयर, 1 cup, एग्जैक्टली 1 cup, वनीला एसेंस, 1 teaspoon. Okay. It's done. 4 eggs. This goes in. Great. Wet mix is ready. And now for the dry ingredients. And I'm going to get my main star of the day, which is Sunridge Fortified Atta. जी हाँ, आज हम मैदा नहीं यूज कर रहे केक में, आटा यूज कर रहे. ये 2 times फाइबर आटा है. इट इज वेरी न्यूट्रिशियस. इसके अंदर आयरन है, जिंक है, फॉलिक एसिड है एंड विटामिन B12. सो इट्स फोर्टिफाइड विद ऑल ऑफ दिस एंड इट इज वेरी वेरी हाइजीनिक, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड इन स्टेट ऑफ द आर्ट स्विस टेक्नोलॉजी. So you know that हर दफा आपको एक ही चीज मिल रही है बहुत हाई क्वालिटी की. एंड लाइक द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक जिप लॉक बैग है जिसमें आता है, विच इंश्योर्स दैट यू कैन सेफली स्टोर इट. इट्स सील्ड, नो मॉइस्चर, नो डैम्पनेस गोइंग इनसाइड. दिस इज अ क्वार्टर. अब मुझे 8 ऑफ दीज डालने हैं. दिस गोज ऑन द साइड. सिनेमन पाउडर हम डाल रहे हैं 1 teaspoon एंड बेकिंग पाउडर भी 1 teaspoon, बेकिंग सोडा भी 1 teaspoon, बट मिल्क पाउडर ज्यादा है, 1/3 cup. आई लव द स्मेल ऑफ सिनेमन. इट्स
माई फेवरेट, सिनेमन का टीस्पून, इसके एंड्स को तो काट लें पहले. सो कैरेट केक जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी मेरी लाइफ में. आई टेल यू अ रियली कूल चाइल्डहुड स्टोरी. जब मैं स्कूल में थी तो एक बेकिंग कॉम्पिटिशन था, उसमें आई टुक पार्ट इन इट. और मुझे जो टास्क मिला था उसमें वो था कैरेट केक बनाने का. एंड आई हैड नेवर मेड कैरेट केक बिफोर, तो मैं बहुत स्ट्रेस थी. एंड ऑफ कोर्स मैं कंपेटिटिव भी हूँ, आई वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन. सो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ की, रिसर्च की, इवेंचुअली एक रेसिपी मिली, मैंने कैरेट केक बनाया एंड आई वॉन द कॉम्पिटिशन. आई थिंक दैट शुड बी अनफ. हमें 3 कप्स चाहिए ग्रेटेड कैरेट्स के. आई थिंक दिस इज गुड. या सो आई वॉज सेइंग स्पैचुला और इसको इसमें डालूंगा. राइट, आई वॉज सेइंग दैट इट्स वेरी स्ट्रेसफुल व्हेन यू आर प्लानिंग अ वेडिंग. और यू कैन हेल्प आउट योर फ्रेंड्स और योर फैमिली. डांस प्रैक्टिसेस होती हैं और मीटअप्स हो रहे होते हैं एंड कैरेट केक इज अ लवली लवली जेस्चर कि आप बना के उनके लिए ले जाएं, उनको भी डी-स्ट्रेस करेगा. थैंक यू, आप लोग इतनी फीडबैक मुझे देते हैं इन योर कमेंट्स एंड आई नो दैट यू आर लविंग एवरी रेसिपी. थैंक यू. बट आई ऑल्सो गेट क्वेश्चंस और बहुत वैलिड क्वेश्चंस होते हैं कुछ. दो सवाल जो मुझे कल ही आए, वन ऑफ देम वॉज कि आइसिंग जब हम बनाते हैं किसी केक के लिए या ब्राउनीज के लिए, समटाइम्स वो बहुत पतली हो जाती है, इट्स टू रनी. वेल दैट्स वेरी सिंपल, आप उसको फ्रिज में रख दें एंड वो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी एंड इट विल बी गुड टू गो. एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट बेकिंग, व्हाट वाज इट. वो ये था कि भाई जब हम केक बनाते हैं तो कभी कभार द साइड्स ऑफ द केक आर वेरी ड्राई बट सेंटर से केक जो है वो गूई होता है एंड obviously then that's not nice. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं by the way. Number 1 कि आपका जो oven है आपने उसको सही तरह preheat नहीं किया. That's a big reason for things going wrong. And तो आप exact temperature पे चीज़ें bake करें. और अगर bake करने के बाद when your cake is ready, if you leave it lying in the oven for too long, तब भी ये हो जाता है. So these are all the reasons that make that happen. Okay, this is done. Now I'm going to measure the carrots and put them in. By the way, you might be wondering ki main aata kyun use kar rahi hu, aur maine iska jawab pehle bhi diya tha, but let me refresh your memory. 3 cups. So maida is obviously very fine and aata thoda sa mota hota hai, especially जो ये 2 times फाइबर आटा है विच इज़ वेरी हेल्थी फॉर यू. सो उसकी वजह से केक का टेक्स्चर थोड़ा सा क्रम्बली होगा विच आई वॉन्ट फॉर माई कैरेट केक. एंड इट्स डन. दिस इज हाउ योर कैरेट केक बैटर शुड लुक लाइक. सो इसको पोर करते हैं. बाय द वे गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि सनरिच फूड्स के सारे प्रोडक्ट्स आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, फ़ोन करके भी अपने घर पर डिलीवर करा सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गो टू योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर या कोई भी यूनिटी एक्सप्रेस की आउटलेट एंड बाय देम फिजिकली. ऑर्डर करने के लिए देयर टू वेबसाइट्स, sunrichfoods.com एंड unityexpress.pk. And the phone number is 03000 10 tak, which is 03000327825. WhatsApp करें, call करें, order करें and आपके घर पहुंच जाएगा सब कुछ, cash on delivery. And by the way, they're really fast. This is the part जहां पे आप nuts डाल सकते हैं, but बहुत finely chop करने होंगे walnuts, वरना वो बहुत heavy हो जाते हैं. So it has to, they have to be really fine. Let's pop this in the oven. Okay. Clean up my kitchen now.
जब तक कैरेट केक बेक हो रहा है इन द ओवन, वी आर गोना मेक द आइसिंग। तीन चीजें चाहिए आइसिंग के लिए, ऑफ कोर्स आइसिंग शुगर, क्रीम चीज एंड बटर। सो सबसे पहले हम मिक्स करेंगे क्रीम चीज एंड बटर को। वन कप ऑफ बटर राइट देयर, दैट्स अ हाफ कप। दिस परफेक्ट कंसिस्टेंसी, या दैट इज हाफ कप। And this is done for now. Icing sugar hai 1 1/4 cup. Mere paas 1/4 cup wala jo set hai, wo abhi thoda dirty hai. I haven't washed that set. So we're just gonna measure it in this 1 level cup. Yeah. Yes, this is done. But abhi isko fridge mein dalna hai, so I'm going to transfer it into a smaller bowl. Pop it in the fridge. Ye jayega fridge mein. I think about 20 minutes should be good. Yeah. This is done. It's a beautiful brown. Oh. Lovely. All right, guys. Cake perfectly sliced ho chuka hai, jo maine cake nikala oven se. I made 2 big slices of it. Ye knife maine use ki hai, a serrated knife. We are creating 2 layers. So, ek layer ke upar you put your icing. This just makes it look beautiful. जब आप स्लाइस करेंगे केक को तो बीच में से वो एक लेयर बहुत खूबसूरत लगेगी। You can go pretty thick with this. And now for the tricky bit. कोई स्पैचुला भी आप यूज कर सकते हैं, कोई ब्रॉड नाइफ यूज करें। Bring this right to the edge and carefully थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। डन। अब इसकी टॉप को भी आइस करेंगे एंड साइड्स आल्सो। डोंट फॉरगेट। लवली, सो नाइस एंड लाइट। डन। आई एम डन आइसिंग माय केक। I'm sure all of you have these cones for icing at home. If you don't, koi plastic bag le, uski koi corner mein dal ke icing nikal le. There are a lot of things you can do. But I do have these, so maine thodi si food coloring dali apni icing mein and I made a zigzag here. Aur ye walnuts mujhe kisi ne bheje hain Hunza se. So I'm going to use these to put on my cake. I think I need to taste it myself. I'm really happy that my carrot cake has turned out so beautiful. Aur khushi hui hai kyunki abhi meri stylist ka message aaya and she said she's found me 3 great outfits for the wedding. So ab main enjoy karungi apna carrot cake. Let's see how it tastes. Oh my god, it's perfection. You all must try this cake. और जब आप अपना हसीन सा कैरेट केक आइस कर लेंगे, टेक अ पिक्चर, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड यूज द हैशटैग सनरिज बेक मी हैप्पी। आई वुड लव टू सी व्हाट यू गाइस डिड। और इस मेरी पूरी एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें एंड गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट्स। सो नाउ आई एम गोना फिनिश माय कैरेट केक और उसके बाद मुझे अपने क्लोजेट में जाके देखना है कि क्या क्या एक्सेसरीज है मेरे पास फॉर ज़ारा'स वेडिंग। आई विल सी यू next time in yet another episode of Bake Me Happy to make you happy.